बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ योर सेशन एंड टुडे द टॉपिक चोजन इज एनालाइजिंग स्वॉट ऑफ द बिजनेस। अभी चल के हम देखेंगे कि स्वॉट से हमारी क्या मुराद है। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में है कॉन्सेप्ट ऑफ स्वॉट, देन स्वॉट एनालिसिस, एडवांटेजेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस एंड द लिमिटेशंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। स्वॉट इज़ एन ऑब्जर्वेशन एब्रिवेशन फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एस से स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू से वीकनेसेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज एंड टी से थ्रेट्स। बाय डेफिनेशन स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आर कंसिडर्ड टू बी द इंटरनल फैक्टर for which the firm has some measures of control, and opportunities and threats are considered as external factors over which essentially the firm cannot be having any control. Yani SWOT jo hai ye do cheezon par mushtamil hai, ek strength and weaknesses jinko hum kehte hain ki ye company ke ya business ke andar maujood hoti hain, aur dusre opportunities aur threats ye company ke andar bhi ho sakte hain aur company se bahar bhi maujood ho sakti hain। ये जो है जो पहला एलिमेंट है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का, ये कंपनी इनको कंट्रोल कर सकती है इफ़ दे आर इंटरनली प्रेजेंट। लेकिन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं, अगर कंपनी से बाहर की चीज़ें हैं तो इसेंशियली ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं भी हो सकती। देन स्वॉट एनालिसिस इज मोस्ट रिनाउंड टूल फॉर ऑडिटेड एनालिसिस ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। And its key purpose is to identify the strategies that will create a firm-specific business model that will best align an organization's resources and capabilities to the requirements of the environment in which the firm is operating. जो SWOT analysis है बुनियादी तौर पर यानी strength, weaknesses, opportunities और threats का जो analysis है किसी भी business के अंदर, इसका मकसद ये होता है कि business जिस भी environment में काम कर रहा है उसके अंदर रहते हुए ये पता किया जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको adopt करने से या छोड़ने से business के ऊपर असर पड़ सकता है, ठीक है। और बिज़नेस जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स को जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है उसके मुताबिक अलाइन कर सकता हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस जो है ये इसलिए किया जाता है किसी भी बिज़नेस के अंदर। फिर इसके बाद मज़ीद इसमें ये है कि इन अदर वर्ड्स इट इज़ द फाउंडेशन फॉर इवेलुएटिंग द इंटरनल पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस एंड द प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी आपके जो इंटरनल लिमिटेशंस हैं और इंटरनल जो पोटेंशियल्स हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर, कि यानी वो बिज़नेस किस एक्सटेंट तक अच्छा परफॉर्म कर सकता है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके इश्यूज क्या हैं उसके अंदर और बाहर के हवाले से उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उसको क्या खतरात लाहक हो सकते हैं वो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम स्वॉट एनालिसिस के अंदर देखा करते हैं। एंड इट व्यूज ऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव फैक्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द फर्म दैट मे अफेक्ट द सक्सेस, ठीक है। वो तमाम नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें स्वॉट एनालिसिस के अंदर देखी जाती हैं कि जो उस बिज़नेस पर असरअंदाज हो सकती हैं। ए कंसिस्टेंट स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट्स helps in forecasting and predicting the changing trends and also help in including them in the decision making process of the organization। जो भी आपकी environment है, business environment है जिसमें आपका business चल रहा है, उसके अंदर जो इस तरह की positions हैं कि जो आपके काम को affect कर सकती हैं उनके बारे में जांचना, उनको forecast करना, foresee करना और फिर जो changing trends हैं आपके business के उसको सामने रखते हुए आप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में उस सारी चीज़ को इन्वॉल्व करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, आपके बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो स्वॉट एनालिसिस का बुनियादी मकसद ही यही है कि आप अपने बिज़नेस के हवाले से इंटरनली ये देखें कि उनमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ये देखें कि किन वीकनेसेस में, किन लिमिटेशंस में आप काम कर रहे हैं और आउटसाइड ऑफ द बिज़नेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ आपके लिए मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ आपके लिए थ्रेट्स हैं, खतरात हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है फॉर स्वॉट एनालिसिस।
अब इसका ओवरव्यू लेते हैं। अब स्वॉट में हर एलिमेंट को अलग अलग डिस्कस करते हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हो सकती हैं बिजनेस की, अपॉर्चुनिटीज़ क्या चीज़ें हैं और थ्रेट्स क्या चीज़ें हैं। ये हम एक जनरल आइडिया लेंगे, इसको किसी भी बिज़नेस पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन हर बिज़नेस की स्ट्रेंथ जो है वो स्पेसिफिक हुआ करती हैं और वीकनेसेस भी स्पेसिफिक हुआ करती हैं, इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स भी स्पेसिफिक हुआ करते हैं। उनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम जनरल अगर बात करें तो क्या चीज़ होगी। स्ट्रेंथ्स में क्या है कि स्ट्रेंथ्स आर द क्वालिटीज़, वो क्वालिटीज़ किसी भी बिज़नेस की दैट अनेबल्स दैट बिज़नेस टू अकम्पलिश द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। वो तमाम क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ जो कि किसी भी बिज़नेस को के मिशन को हासिल करने के लिए, उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए बरूए कार आती हैं, यानी इम्प्लीमेंट होती हैं, उनको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है ना, ये और ये बेसिस फ्राहम करती हैं एक कामयाबी में, एक तसलसल का की बुनियाद रख देती हैं। ठीक है, और इससे एक और ये सस्टेनेबल होती हैं, यानी सस्टेनेबल का मतलब ये है कि भाई ये हम कायम रहती हैं, जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो कायम रहती हैं, उनके उनके बारे में बिजनेस को पता होता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, देन स्ट्रेंथ कैन बी इधर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आने वाली चीज़ हो, बाज़ औक़ात आपकी स्ट्रेंथ जो है वो नज़र नहीं भी आ रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा तादाद में आपके एम्प्लॉज़ हैं तो दे आर योर स्ट्रेंथ, बट दे आर टेंजिबल स्ट्रेंथ। लेकिन अगर बहुत सारे का लॉयल कस्टमर्स की लॉयलिटी है आपके साथ, तो ये लॉयलिटी जो है दिस इज़ इनटेंजिबल। या आपके एम्प्लॉयज़ की लॉयलिटी आपके साथ है, बेशक वो तादाद में ज़्यादा नहीं है, तो दिस इज़ इनटेंजिबल। देन दीज आर व्हाट यू आर वेल वर्स्ड इन और व्हाट यू हैव एक्सपर्टाइज। ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसमें लोगों की एक्सपर्टाइज होती है और लोग वेल वर्स होती हैं, ये उन चीज़ों को हम स्ट्रेंथ्स में शुमार करते हैं। ये आपकी ट्रेट्स भी हो सकते हैं, क्वालिटीज़ भी हो सकते हैं, आपके इंडिविजुअल जो स्किल्स हैं वो भी हो सकते हैं, और वो तमाम डिस्टिंक्शन वाले फीचर्स जो आपके बिजनेस में मौजूद हैं, आपके लोगों में मौजूद हैं, आपकी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, वो सारी की सारी जो आपकी बिज़नेस क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके स्ट्रेंथ्स में हैं। ठीक है, और स्ट्रेंथ्स आर द बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड ह्यूमन कैपेसिटीज़। अब ये एग्जाम्पल्स हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें, ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ जो हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपकी, और कस्टमर गुडविल जो क्रिएट हो जाती है, ब्रांड लॉयल्टी जो क्रिएट हो जाती है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ की एग्जांपल जो है वो आपके अगर ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पास बहुत सारा पैसा है बिजनेस चलाने के लिए, तो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बेस जो है वो बहुत वसी है, यू हैव अ ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन, तो आप दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। यू हैव नो डेट, डेट का मतलब है कर्ज, अगर आपने कर्ज नहीं लिया हुआ किसी बैंक से तो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। देन यू हैव अ कमिटेड एम्प्लॉय, तो आपका अगर स्टाफ जो है वो आपके साथ कमिटेड है और वो स्किल्ड है और आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ वो तमाम पॉजिटिव एलिमेंट्स जो बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हों वो आपकी स्ट्रेंथ्स कहलाते हैं। वीकनेसेस में क्या है कि वीकनेसेस आर द पॉइंट्स विच प्रिवेंट अ फर्म फ्रॉम अकम्पलिशिंग इट्स मिशन। उसके बिल्कुल उलट है कि वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम फीचर्स, वो तमाम बातें कि जिनकी वजह से आप अपना बिजनेस मिशन हासिल ना कर सकें, वो आपकी वीकनेसेस कहलाती हैं। ठीक है, और या वो आपको फुल पोटेंशियल में काम ना करने दें तो ये भी आपकी वीकनेसेस कहलाती हैं। ठीक है ना, ये दीज वीकनेसेस इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड ग्रोथ। ये जो वीकनेसेस हैं ये आपको बढ़ने नहीं देती फिर, और वीकनेसेस आर फैक्टर्स विच डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स वी फील दे शुड मीट। वो तमाम चीज़ें जो नेगेटिव हैं, वो तमाम फैक्टर्स जो नेगेटिव हैं कि जो उन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पा रही होती कि जिनको हम समझते हैं कि इन्हें पूरा करना चाहिए, वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं जो हमारे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होते या हो पाते, उनको हम वीकनेसेस शुमार करते हैं। ठीक है, वीकनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन बी डेप्रिसिएटिंग मशीनरी। मैं मिसाल दे रहे हैं ये कि अगर किसी इदारे में उनकी मशीनरी जो है वो डेप्रिसिएट हो रही है, वो यूज़ होने के बाद अब फर्दर यूज़ के काबिल नहीं रही, या वहाँ पर रिसर्च नहीं है, इनसफिशेंट रिसर्च है, या डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज जो है वो इनसफिशेंट हैं, उनकी प्रोडक्ट रेंज कम है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का फुकदान है,
ये सारी की सारी वीकनेसेस हैं, लेकिन ये कंट्रोलेबल हैं, ठीक है, बट दे मस्ट बी मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड। इनको सब इनको कम से कम कर देना चाहिए और बल्कि इनको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन वीकनेसेस की? ह्यूज डेब्ट, बहुत ज़्यादा कर्जे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, बहुत ज़्यादा लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो ये कमज़ोरी है। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, अगर डिसीजन मेकिंग में सिंप्लिसिटी नहीं है तो ये कमज़ोरी है। प्रोडक्ट रेंज कम है, ये कमज़ोरी है, ठीक है। इसी तरह से अगर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो ये कमज़ोरी है, ठीक है। एम्प्लॉई आपका लॉयल नहीं है तो ये कमज़ोरी है। तो ये वो तमाम नेगेटिव एलिमेंट्स, नटशेल इसका ये है कि वो तमाम नेगेटिव एलिमेंट्स जो किसी भी कंपनी के बिज़नेस को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं, वो बिज़नेस की वीकनेसेस कहलाते हैं। देन देर आर अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज फ्रॉम द एनवायरनमेंट विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग। जिस बिज़नेस में, जिस एनवायरनमेंट में बिज़नेस काम कर रहा होता है, वहीं से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होते हैं, एंड दे एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान एंड एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज टू बिकम मोर प्रॉफिटेबल। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपको ये मौका फ्राहम करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएं, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लें तो वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो फ्राहम करते हैं, यानी दूसरी फर्म पर आपको एक फोकियत हासिल जो है वो हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ करें उसके दुरुस्त वक्त पर, ठीक है। टाइमिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी ऐसा टाइम जिसमें वो नज़र आ रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो मार्केट से आ सकती है, कॉम्पिटिटर से आ सकती है, इंडस्ट्री के ज़रिए से आ सकती है, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ ला सकती है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी आ जाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर आपने पहले अडॉप्ट कर ली तो आप को कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाएगा, जिसकी मिसाल जो है वो यहाँ दी हुई है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की। कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर क्या हुआ कि जिन PTCL जो है वो देर से आया, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये जो आपके डिजिटल टेलीफोन्स हैं, तो उस वक़्त दूसरी कंपनियों ने कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ले लिया, ठीक है, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। तो यहाँ ये इस चीज़ को कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर बैंकों के हवाले से स्टेट बैंक के पॉलिसी तरतीब देता है, तो जो बैंक सबसे पहले उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेता है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले जाता है, वो बाकी बैंकों पर फोकियत ले जाता है और वो कामयाब हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी जो है ये मार्केट से पैदा होती है, आपके इर्द गिर्द जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ से पैदा होती है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है। थ्रेट्स में क्या है? थ्रेट्स में वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके बिज़नेस को बराह रास्त मुतासर कर सकती हैं, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से पैदा भी होती हैं और इंटरनल से भी पैदा हो सकती हैं। इंटरनल से भी पैदा हो सकती हैं थ्रेट्स, आपको बिज़नेस के अंदर से भी मिल सकते हैं। अगर आपके अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आपके बिज़नेस सीक्रेट्स जो हैं वो आउट कर रहे हैं, या आपके एम्प्लॉई ऐसा कोई बैठा हुआ है कि जो डिसीव कर रहा है आपके साथ, तो ये इंटरनल थ्रेट है। इसी तरह एक्सटर्नल थ्रेट में क्या हो सकता है? आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो एक्सटर्नल थ्रेट्स होती हैं, ठीक है। बेशुमार जो है वो थ्रेट्स जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और जब भी एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो आता है तो बिज़नेस की सर्वाइवल जो है वो स्टेक पे चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोविड की वजह से रिसेंटली आप देखें कि किस कदर इकॉनमी जो है वो शेक हुई है। बेशुमार ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो COVID-19 की वजह से बंद हो गए, शादी हाल बंद हो गए, प्राइवेट स्कूलिंग ना होने के बराबर रह गई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बंद हो गया, तो बेशुमार दुकानदारी ख़त्म हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई, बैंकों का बिजनेस डाउन हो गया। अब ये जो थ्रेट था दिस वाज एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है, और इसकी वजह से बिज़नेस जो है वो बैठ गया। तो ये सारी की एक सारी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है और आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, आप अपनी जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी होगी उसमें काम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर बाहर प्राइसेस एकदम से बढ़ जाती हैं रॉ मटेरियल की, तो ये एक्सटर्नल थ्रेट है, आपकी इंडस्ट्री के प्रॉफिट को ये मुतासर कर सकता है। तो वो तमाम चीज़ें जो डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं आपके बिज़नेस को, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आम तौर पर बाज़ औक़ात होती हैं बट आम तौर पर नहीं होती, तो वो सारी की सारी थ्रेट्स में आती हैं। तो यहाँ से स्टॉक स्वॉट एनालिसिस जो है उसकी इम्पोर्टेंस का आपको पता चलता है कि स्वॉट एनालिसिस SWOT वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर द बिजनेस इन ऑर्डर टू गेन द नॉलेज कि भाई क्या चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स में हैं, क्या वीकनेसेस में हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं, इस क्या एडवांटेजेस हैं स्वॉट एनालिसिस के। स्वॉट एनालिसिस जो है ये
पढ़ने वाली स्लाइड है, इसको आप देख लीजिएगा। मेन इसके एडवांटेजेज में क्या है कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है? आप अपने बिजनेस की मुसलसल बढ़ाने के लिए, उसकी एनहेंसमेंट के लिए, उसमें डाइवर्सिटी लाने के लिए एग्जीक्यूटिव लेवल पर जो प्लानिंग होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जाहिर है कि जब आपको पता होगा अपनी कमजोरियों का और अपनी खामियों का और खूबियों का और मवाके का और अपने थ्रेट्स जो आपके बिजनेस को लाहक हैं, तो आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा और इट रिजर्व्स रिवर्सेस दी वीकनेसेस। और जब आपको पता होगा कि आपकी खामियां क्या हैं, तो आप उन पर काबू पाने की सलाहियत भी पैदा करेंगे अपने अंदर। फिर देन मैक्सिमाइजेस दी रिस्पांस टू दी अपॉर्चुनिटीज़। आपको अगर स्वॉट एनालिसिस किसी बिजनेस ने किया हुआ है तो उसको पता होगा कि मेरे बिजनेस में फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो मुझे इन एस्पेक्ट्स पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी देखें आप बैंकों में जो लेंडिंग रेट है वो कम हो गया, तो जिन बैंकों ने इन चीज़ों को फॉरसी कर लिया था, पहले से महसूस कर लिया था कि आने वाले वक्त में लेंडिंग के रेट्स जो हैं स्टेट बैंक कम कर देगा, यानी कर्ज़ों के ऊपर जो मार्कअप है वो कम कर देगा, उन्होंने वक्त से पहले अपने नए नए ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिए कि जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के थे, जो आम रिटेलर के इंटरेस्ट के थे। तो कम रेट के ऊपर ज़्यादा लेंडिंग करना जो है वो इकोनॉमी में उसका कस्टम पैदा हो जाता है। जब कम मार्कअप होता है तो ज़्यादा लेंडिंग होती है। तो जिन बैंकों ने इस अपॉर्चुनिटी को पहले से रियलाइज़ कर लिया था, वो वक्त से पहले उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार कर लिए थे कि जो लोगों के लिए अट्रैक्शन का बायस थे। सो देन इट ओवरकम्स द ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट। तो आपको थ्रेट का पता चल जाता है कि भैया मेरे बिजनेस को थ्रेट पैदा हो सकता है इससे, तो आप उसको ओवरकम कर लेते हैं अगर आपने ये एनालिसिस किया हुआ होता है तो। देन इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द फर्म। फर्म को पता चल जाता है जब वो स्पॉट एनालिसिस करती है, तो उसको पता चल जाता है कि उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, वो कौन से मैदान हैं जिनमें वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। देन इट हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये वही पहला वाला पॉइंट तकरीबन रिपीट हो रहा है। एंड देन इट हेल्प्स इन नोइंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सो दैट बाय यूजिंग पास्ट एंड करंट डाटा फ्यूचर प्लान्स कैन बी चॉक्ड आउट। तो स्पॉट एनालिसिस अगर किया हुआ हो कंपनियों ने, तो उन पर जो बीत चुकी है, जिन बुरे एक्सपीरियंसेस से वो गुजर चुके हैं, उनको वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए दोबारा से उसको वर्कआउट करके उसके सॉल्यूशंस निकाल के तो उनसे वो बच सकते हैं। लिमिटेशंस भी हैं स्वॉट एनालिसिस की, के ज़रूरी नहीं है कि स्वॉट एनालिसिस ही से आप सब कुछ मालूम भी कर सकें। स्वॉट एनालिसिस हैज़ फ्यू लिमिटेशंस। इट मे कॉज ऑर्गेनाइजेशंस टू व्यू सर्कमस्टेंसेस एज वेरी सिंपल, बट प्रैक्टिकल साइड मे बी डिफरेंट। देखने में तो पता चल सकता है, हो सकता है कि आप ये जांच लें कि जनाब मेरे बिज़नेस की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और आपको ये भी पता चल जाए कि भाई आपके बिज़नेस की कॉस्ट इसलिए बढ़ रही है कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो रहा है। अब ये देखने में तो आपको वीकनेस पता चल गई, लेकिन इस वीकनेस को आप कैसे, इससे बचेंगे कैसे, ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिकल साइड है विच इज़ डिफरेंट। उसके लिए कैसे प्लान करेंगे, कैसे उस पर अमल करेंगे, कैसे अपने प्रॉफिट्स को जो है वो कम होने से बचाएंगे, ये प्रैक्टिकल साइड है। सब कुछ पता होने के बावजूद जब आप प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोर ओवर, कैटेगराइजिंग द एस्पेक्ट्स एज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मे बी वेरी सब्जेक्टिव एज देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन मार्केट। सब्जेक्टिव का मतलब होता है वो चीज़ जो किताबों में हो, ठीक है, मौजूआती सतह की हो, यानी आप किसी भी बिजनेस के अंदर उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को मौजूआती सतह पर देख सकते हैं, ठीक है, और वो मार्केट की जो अनसर्टेनिटी होती है उसकी वजह से वो चीज़ें पैदा होती हैं। ये यानी एक इसके कहने का मकसद ये है कि ये एक सिर्फ किताबी मौजू है, यानी जब प्रैक्टिकली आप बिजनेस में होते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप इन सारी चीज़ों को उस सतह पर गेज कर सकें कि जिस सतह पर ये आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सकें, ठीक है। स्पॉट एनालिसिस टेल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर फैक्टर ऑफ दीज फोर फैक्टर्स, बट इट डज नॉट टेल हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई दीज एस्पेक्ट्स फॉर इटसेल्फ। कि खुद ब खुद हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारी वीकनेस में है और ये चीज़ हमारी स्ट्रेंथ में है। हो सकता है जो आज जो चीज़ हम स्ट्रेंथ में देख रहे हो कल वो हमारी वीकनेस बन जाए। तो प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लिमिटेशंस का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इवन देन हम इसकी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं कर सकते। तो इंटरनल लिमिटेशंस जो हैं
यानी हम लिमिटेशंस के एस्पेक्ट को दो तरह से देखते हैं। इसको अभी हम पीछे बात कर रहे हैं ना कि लिमिटेशंस ऑफ दिस वाटर एनालिसिस क्या है, तो हम फर्दर इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। एक इंटरनल लिमिटेशन जो बिज़नेस के अंदर की चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और दूसरी जो है वो एक्सटर्नल लिमिटेशन। इंटरनल लिमिटेशन में क्या क्या है, इनसफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ का ना होना, R&D जो है वो बिज़नेस की बैकबोन होती है। यानी जो बिज़नेस R&D नहीं करते, यानी मार्केट पर रिसर्च नहीं करते, बिज़नेस के अंदर की रिसर्च नहीं करते, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करते, नई चीज़ों को अपनाने में पहल नहीं करते, तो वो इनसफिशेंसी का शिकार होते हैं। जब वो इनसफिशेंसी का शिकार होते हैं तो फिर उनकी जो कमज़ोरियां हैं वो बढ़ती हैं। तो इंटरनल लिमिटेशन ये है। इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज ड्यू टू पुअर क्वालिटी कंट्रोल, आपका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर कंपैरेटिवली, ठीक है। पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्री में आपके रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। लैक ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट लेबर, आपकी लेबर जो है वो स्किल्ड और एफिशिएंट नहीं है। यू हैव टर्नओवर इश्यूज, आपके लोग आपको बार बार छोड़ के जा रहे हैं। यू हैव टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है, तो आपकी जो है टेक्नोलॉजी है वो एब्सोल्यूट है, वो अप टू द मॉडर्न लेवल नहीं है। तो ये लिमिटेशंस हैं स्वॉट एनालिसिस में, आपकी इंटरनल लिमिटेशंस हैं। यानी इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में अगर आप स्वॉट एनालिसिस की तरफ से जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट वहाँ से नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हम स्वॉट एनालिसिस की तरफ जाएंगे। एक्सटर्नल लिमिटेशंस में प्राइस कंट्रोल, अब इस पर तो कोई इख्तियार नहीं है, कैसे आप करेंगे। आज आप एक प्राइस के ऊपर अपना एनालिसिस कर रहे हैं, कल को हो सकता है वो प्राइस कम हुई भी हो, ज़्यादा हुई भी हो, तो आपका एनालिसिस जो है वो शेकी हो सकता है। यू हैव अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल, आप इनपुट और रॉ मटेरियल के हवाले से उसको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को वो अनअवेलेबल हो जाए, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो और लेजिस्लेशन जो हैं वो नई नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ले आती है, आपको तो नहीं पता होता कि कल क्या पॉलिसी आ जाए। हो सकता है आज जिस पॉलिसी को आप अपनी मेन स्ट्रेंथ शुमार कर रहे हो, कल को वो पॉलिसी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दे। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक्स के वाले से बात करें तो लेंडिंग के वाले से आजकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, देर इज़ अ डिक्लाइन इन दी मार्कअप रेट, हम इसको स्ट्रेंथ बना लेते हैं अपनी, बट एकदम से कल को जो है, आज तो कस्टमर फायदे में है लेकिन कल को क्या होता है कि कल को एकदम से रेट्स बढ़ जाते हैं, तो लेंडिंग वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा और कस्टमर के लिए मार्कअप बढ़ जाएगा। जब मार्कअप बढ़ेगा तो कस्टमर के लिए किस्त पे करना मुश्किल हो जाएगा। यानी ये जो आज स्ट्रेंथ है कल को वीकनेस में चेंज हो सकती है। इसी तरह आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, आपके मुल्क के अंदर जो एक अनसर्टेन सिचुएशन होती है, कभी रेट्स ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी टैक्स जो है वो उसकी पॉलिसी आ रही है, कभी उसको रिपीट कर रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ओवरऑल कंपनी के अंदर है, इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, स्मगलिंग उरूज पर है, करप्शन उरूज पर है, तो इस सारे से एक मेल फंक्शनिंग सी क्रिएट हो गई है और आपका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो अनस्टेबल हो गया है। तो दिस इज़ एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ दी स्वॉट एनालिसिस। देन यू हैव पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अगर आपके मुल्क की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है तो यू हैव दिस लिमिटेशन विद योर स्पॉट एनालिसिस। इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, हैजर्ड्स, जैसे अभी कोविड आ गया है, ये हैजर्ड है इंटरनेशनल लेवल पर, रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे जो FATF है, जो दुनिया में हम पर पाबंदियां लगा रहे हैं कि जी ये यहाँ पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है तो इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, ये इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं इनको। कोविड जो है वो इंटरनेशनल हैजर्ड में आता है। ये स्पॉट एनालिसिस को के रिजल्ट्स को जो है वो शेकी कर देते हैं, यानी उसकी लिमिटेशंस में आ जाते हैं। इसी तरह रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन है, रेगुलेटर फॉर एग्जांपल SECP, SBP, ये वो इदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं इकोनॉमी को, इनके अंदर जो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं टाइम टू टाइम, वो कभी एक रिस्ट्रिक्शन जो है उसको आप स्ट्रेंथ बनाते हैं तो दूसरे दिन वही जो है आपकी वीकनेस बन जाती है और इसकी वजह से आपका स्वॉट एनालिसिस जो है वो लिमिटेशंस का शिकार हो जाता है। तो ये एक ब्रीफ सा व्यू था अबाउट द स्वॉट एनालिसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, आप भी इसको बहुत ध्यान से देख लें, एक दफ़ा इसको इसका कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करें, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करें। आपको खुद को पता होना चाहिए कि स्वॉट एनालिसिस जो है वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स वर्किंग, ठीक है। और एक अगर आपके सामने कोई केस स्टडी आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उसमें से आपने स्वॉट जो है वो कैसे निकालना है और स्वॉट्स को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। तो इसको गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह कमिंग कन्वर्सेशन सेशन में हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।